सभापति महोदय, मैं इस गरिमामयी सदन को 9 मार्च 2022 को हुई एक घटना से अवगत कराना चाहता हूं। यह घटना इंस्पेक्शन के दौरान अनजाने में हुई मिसाइल की रिलीज से संबंधित है। मिसाइल यूनिट के रूटीन मेंटेनेंस और इंस्पेक्शन के दौरान शाम को लगभग 7 बजे दुर्घटनावश एक मिसाइल रिलीज हो गई। बाद में ज्ञात हुआ कि यह मिसाइल पाकिस्तान के क्षेत्र में जाकर गिरी। यह घटना खेदजनक है, परंतु यह राहत की बात है कि इस दुर्घटना से किसी भी प्रकार का कोई नुकसान नहीं हुआ है। सभापति महोदय, मैं सदन को सूचित करना चाहता हूं कि सरकार ने इस घटना को बहुत ही गंभीरतापूर्वक लिया है और इसके लिए एक औपचारिक उच्च स्तरीय जाँच के आदेश भी दे दिए गए हैं। कथित दुर्घटना का सटीक कारण जांच के बाद ही पता चल पाएगा। मैं यह भी कहना चाहूंगा कि इस घटना के संदर्भ में ऑपरेशंस, मेंटेनेंस तथा इंस्ट्रक्शन के लिए स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स की समीक्षा भी की जा रही है। हम अपने वेपन सिस्टम की सेफ्टी और सिक्योरिटी को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हैं। इस संबंध में यदि किसी भी प्रकार की खामी पाई जाती है तो उसे तुरंत दूर किया जाएगा। मैं सदन को आश्वस्त करना चाहता हूं कि हमारा मिसाइल सिस्टम अत्यंत सुरक्षित और भरोसेमंद है। इसके अलावा हमारे सेफ्टी प्रोसीजर्स और प्रोटोकॉल्स उच्च स्तरीय हैं और समय समय पर इसकी समीक्षा भी की जाती है। हमारी आर्म्ड फोर्सेस वेल ट्रेंड एवं डिसिप्लिन्ड हैं और इस प्रकार के सिस्टम को हैंडल करने का अच्छा अनुभव भी रखती हैं। धन्यवाद।